जर्मनी के लिए मस्ट विन है अब अगले दोनों गेम्स। आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द मैनेजर एंड द मैनेजमेंट फॉर द जापान टीम, क्योंकि उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूशंस बहुत स्मार्टली यूज किए। मैंने आपको पहले कहा था मुझे ये टीम बहुत अच्छी लग रही है, लोग पता नहीं क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं। दूसरा मैच जर्मनी वर्सेस जापान। जर्मनी स्टार्टेड ऑफ विद अ गोल, वो भी पेनल्टी पे, बिल्कुल आइडेंटिकल रहा है ये अर्जेंटीना वाले मैच। फर्क ये था कि इनको तीन ऑफसाइड के गोल नहीं इन्होंने जर्मनी ने किए, बट क्रेडिट गोज टू जापान। खास तौर पे एक तो वो थ्रू आउट जैसे खेले, और खास तौर पे ये बात कि बड़ी टीम के अगेंस्ट आप डिफेंसिव होकर शेल में नहीं जा रहे, ये बड़ा अच्छा खेला। तो हाउ डू यू सी, मैं शुरू करूं, डेविड रॉम जो है उनके लेफ्ट बैक जर्मनी वाले, ही लुक्ड वेरी शेकी एट द बैक। उनके साथ साथ जो श्लॉटरबैक थे लेफ्ट सेंटर बैक जो थे उनके, दोनों डिड नॉट लुक अप टू द मार्क, और जापान उनको खाए जा रही थी। मतलब विनिंग द बॉल फ्रॉम गुंडोगान इन मिडफील्ड, जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड देन ऑलवेज गोइंग डाउन दैट राइट विंग। और उनके जो गोल भी आया था, जो सेकंड उनका विनर था, दैट केम फ्रॉम द राइट फ्लैंक एज वेल, और उसमें भी डेविड रॉम लुक वेरी शेकी। डेविड रॉम की सिर्फ एक सेविंग ग्रेस थी कि ही इज द वन हु वन द पेनल्टी जो गुंडोगान ने मारी फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद भी एक डिसीजन थी विच वेंट अगेंस्ट काई हैवर्ट्ज़, जो हमेशा ऑफसाइड ही रहते हैं, पता नहीं क्यों, मगर उन्हें गोल मारा बट अगेन रूल्ड ऑफ फॉर ऑफसाइड। अगर वो गोल चले जाता, इफ दैट गोल वाज नॉट डिसअलाउड, फिर इस मैच की शेप बहुत डिफरेंट होती। राइट, एक चीज अली देखी गई कि जो यूजुअली हम जर्मनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्रू आउट द मैच सेम एनर्जी और वो पेस दिखे, वो कल हमें जापान की तरफ से ज्यादा दिख गई कि आखिरी के टाइम में भी जापान वो फिट एंड दे वर गोइंग, व्हेयरएज जर्मनी थोड़ा सा रस्टी और स्लगिश दिखे। अच्छा, इसमें आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द मैनेजर एंड द मैनेजमेंट फॉर द जापान टीम, क्योंकि उन्होंने अपने सब्स्टिट्यूशंस बहुत स्मार्टली यूज किए। वो आए थे हाई इंटेंसिटी मैच खेलने। अगर आप नोट करें, जो ये अपसेट्स हो रहे हैं ज्यादातर जो टीम्स कर रही हैं, इवन द सऊदी, द जापान, ये हाई लाइन खिला रहे हैं, तो इनके डिफेंडर्स क्या होते हैं, आगे आ जाते हैं, लेइंग डाउन द ऑफसाइड ट्रैप। उसमें क्या होता है कि उनको प्रेस ज़्यादा करना पड़ता है, ऑब्वियसली उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है हाईलाइन खेलने के लिए, और जापान वॉज डूइंग इट। एंड इनफैक्ट इवन जब उनके प्लेयर्स थोड़ा सा टायर अप होने लगे, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन कर दिए, और जो दोनों उनके सब्स्टिट्यूशन से उसका इम्पैक्ट बहुत आया था, बस दोनों ने ही गोल मारे। आई थिंक इसमें 5 सब्स्टिट्यूशन वाला रूल इज वेरी वेरी क्रूशियल। आई थिंक वेदर के हिसाब से भी जरूरी है, प्लस नॉट ऑल प्लेयर्स आर अकस्टम टू द कंडीशंस और वेदर एंड एवरीथिंग। तो इसमें जापान को दूसरा मैं क्रेडिट दूंगा कि वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत ब्रेव थे, बिकॉज दे वर इन द बॉक्स, लाइक 1-1 करने के बाद भी दे वर इन सेटलिंग इन फॉर अ ड्रॉ। वो कह रहे थे कि हमने मैच जीतना है, 5 बंदे बॉक्स में छोड़ना ऑपोजिशन के कोई छोटी बात नहीं होती, एक छोटी टीम के लिए, वो भी जर्मनी के अगेंस्ट। वो इस मेंटेलिटी से आए थे कि हमने जो जो फ्लैंक्स मिलेंगे, कल इस बारे में गुल ने बात करी थी कि जो विंग बैक्स होंगे या जो फुल बैक्स हैं सॉरी जर्मनी के, वो परेशान होंगे जैपनीज पेस से और एजिलिटी से, और वो हुए। निकोलस सुले वाज इन द सेंटर, ही प्लेड, ही इज नॉट इवन आउट एंड आउट राइट बैक, या ही इज, ही प्ले सेंटर बैक, हां प्ले सेंटर बैक फॉर डॉर्टमुंड, फॉर डॉर्टमुंड। और वो कल राइट बैक जब खेल रहे थे, तो उन्होंने ऑनसाइड प्ले कर दिया था असानो को, व्हिच लेड टू द सेकंड गोल, और उस सेकंड गोल में नॉयर, जिसको आप कहते हैं लाइक दुनिया का सबसे अच्छा कीपर है, स्वीपर कीपर है, जो कि आगे आता है, वो मतलब इस तरह का जब गोल आ रहा है, यू ट्राई टू बी बिग, यू लाइक ब्लॉक द व्यू एंड एवरीथिंग, वो पीछे जाता रहा, उसने तो इनफैक्ट अपने आप को छोटा कर लिया, एंड दैट गिव असानो ब्रिलियंट चांस, परफेक्ट कंट्रोल, ब्यूटीफुल फिनिश। नॉयर बीइंग बीट ऑन द नियर पोस्ट, मतलब ये बहुत रेयर साइट है, रेयर सी बात है, बहुत रेयर बात। अच्छा, इसके अंदर जैसे अली ने कहा, सबसे ज्यादा क्रेडिट मैनेजर को जाता है, बिकॉज दिस वॉज अ क्लासिक गेम ऑफ टू हाफ्स। सेकेंड हाफ में जापान बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वापस आई थी, उन्होंने टैक्टिकल चेंज की थी, दे वेंट टू अ बैक 3, दे स्टार्टेड विद अ बैक 4, बट उन्होंने रियलाइज किया कि वो नहीं चल रहा है, क्योंकि गुंडोगान स्पेशली फॉर जर्मनी वो मैच कंट्रोल कर रहे थे, और किसी भी वक्त लग रहा था कि उनसे एक गोल और आ जाएगा, मतलब ओपन प्ले से भी। तो उन्होंने बैक 3 पे गए, वो टॉमी आसू को लेकर आए, उन्होंने अपना एक तरीके से अपना ब्राइटेस्ट प्लेयर जो जनरली माना जाता है कुबो, उसको बेंच किया, और उसके बाद जितनी सब्स्टिट्यूशन की, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन की, उन्होंने आके इम्पैक्ट क्रिएट किया। ये मे बी यू नो तारे उनके साथ थे, बिकॉज अगर आप मैच के स्टैट्स देखें, 74% पोजेशन जापान का, वो जर्मनी का रहा अगेंस्ट 26% पोजेशन ऑफ जापान। शॉट्स टोटल जो है अटेम्प्ट्स 26 रही हैं जर्मनी की, जिसमें 9 ऑन टारगेट थी, कंपेयर टू जापान जिनकी 12 अटेम्प्ट्स थी और 4 ऑन टारगेट थे, और उन 4 में भी 2 उन्होंने स्कोर कर लिए। एनी अदर डे ये स्कोर लाइन डिफरेंट हो सकती थी गोल,
हो सकती थी, बट अगेन इट जस्ट कम्स डाउन टू कि आपके पास एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है. काई हैवर्ट्स इज नॉट अ स्ट्राइकर. वो यूजली अपने या तो प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा राइट पे खेलें और फिर कट इन साइड करें, या फिर एक कैम की पोजीशन लें. तो आउट एंड आउट स्ट्राइकर कोई है नहीं इस जर्मन साइड में. एक चीज़ जो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, हांजी फ्लिक मारियो गोट्से को क्यों लेके आए और लीरॉय साने को क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि लीरॉय साने अपने क्लब के लिए, बायर्न के लिए टॉप टॉप फॉर्म में है अभी, और उनको नहीं लेके आया. इट्स वेरी स्ट्रेंज डिसीजन टू कोई निकल तो नहीं है उन्हें, क्योंकि वरना तो कोई सेंस नहीं, कोई निकल, कोई रिपोर्टेड नहीं ऑन द बॉल, ही शुड बी प्लेइंग. मुझे तो लगा कि वो स्टार्ट करेगा. चले जमाल मुसियाला स्टार्टेड और वो बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, ही वाज ब्रेकिंग एंकल्स लेफ्ट राइट सेंटर. हां, मगर अगेन लीरॉय साने नॉट कमिंग ऑफ द बेंच, मारियो गोत्से कमिंग ऑफ. चले आप 2014 में अब नहीं रह रहे ना, 8 साल पुरानी वाली बात है, आप छोड़ें उसको. लेकिन इसमें ये कि मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इस ग्रुप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. विद जर्मनी लूजिंग द ओपनिंग गेम एंड जापान स्पेन बोथ विनिंग द गेम्स, जर्मनी के लिए मस्ट विन है अब अगले दोनों गेम्स. और मसला ये है कि जर्मनी का अगला मैच है ब्राजील, नहीं स्पेन, स्पेन, आई एम सो सॉरी, जर्मनी का अगला मैच है स्पेन, हु लुक वेरी गुड, दे स्कोर 7 गोल्स. मैंने आपको पहले कहा था मुझे ये टीम बहुत अच्छी लग रही है, लोग पता नहीं क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं, बट आई रियली लाइक स्पेन दिस टाइम. दे आर फेसिंग अ वेरी गुड स्पेनिश टीम एंड जापान आर फेसिंग कोस्टारिका, हु लुक अबिस्मल. तो अब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जापान विल प्रोबब्ली गेट द बेटर ऑफ कोस्टारिका. जर्मनी को रिजल्ट निकालना है उस स्पेन वाले मैच में, क्योंकि अगर जर्मनी ने ड्रॉ भी कर दिया देन नॉकआउट.